खान और मैं हूं आपके साथ ऋषभा। मोनिका वेड्स मोनीश, ये है बीजेपी नेता की बेटी की शादी का कार्ड जो कि न केवल वायरल हो रहा है बल्कि चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इस मामले ने सियासी रुख भी ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शादी के कार्ड में ऐसा क्या है जिसको लेकर इतना विवाद हो रहा है। दरअसल पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी का कार्ड वायरल होने के पीछे की वजह है अलग अलग धर्मों के वरवधु का होना, यानी कि मोनिका जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं और मोनीश जो कि मुस्लिम धर्म से। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें, बीजेपी नेता की बेटी मोनिका की शादी उत्तर प्रदेश के रहने वाले मुस्लिम युवक मोनीश से तय हुई है। दोनों ही पक्षों की मर्जी से ये शादी हो रही है जिसके लिए बाकायदा शादी के कार्ड भी छापे गए हैं। वहीं शादी का कार्ड जैसे ही लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने सोशल मीडिया पर शादी के कार्ड की फोटो डालकर इस पर कॉमेंट करना शुरू कर दिया। जितनी तेजी से इनकी शादी का कार्ड वायरल हुआ उतनी ही तेजी से लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देने लगे। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स इस पर मीम्स भी बनाने लगे। कुछ यूजर्स ने लिखा कि द केरल स्टोरी देखने की जरूरत बीजेपी नेताओं को ज्यादा है, तो वहीं कुछ का कहना है कि हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाने वाली बीजेपी अपने नेताओं पर भी ध्यान दे। इतना ही नहीं, हिंदूवादी संगठन और हिंदू धर्म गुरु भी इस मामले में कूद पड़े जिसके बाद ये मामला गर्मा गया। अब इस पूरे मैटर में बीजेपी नेता को सामने आकर सफाई पेश करनी पड़ी है। आपको बता दें, यशपाल बेनाम ने कहा है कि ये 21वीं सदी है और बच्चों को अपने फैसले लेने का पूरा हक है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोगों के कहने या करने से उन्हें कोई मतलब नहीं है, बच्चों की खुशी और बेहतर भविष्य के लिए आपसी रजामंदी से ये शादी हो रही है जो कि संपूर्ण हिंदी रीति रिवाजों से की जाएगी और इस पर किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चलिए तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन वन।